हरियाणा के रोहतक जिले में पिछले दिनों हुई चार लोगों की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसके होश उड़ गए। रोहतक पुलिस के मुताबिक आरोपी अपना जेंडर चेंज करवा कर अपने दोस्त के साथ विदेश भागना चाहता था, लेकिन जब परिवार को ये बात पता चली तो उन्होंने पिटाई कर दी। इस वजह से उसने सबकी हत्या कर दी। हरियाणा के रोहतक की विजय नगर कॉलोनी में पिछले शुक्रवार को हुई चार लोगों की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक 20 साल के बेटे ने ही अपने माँ बाप, बहन और नानी की हत्या की थी। आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रोहतक पुलिस की पूछताछ में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल अपने ही परिवार का वजूद मिटाने वाला आरोपी मोनू समलैंगिक है। पुलिस पूछताछ में मोनू ने खुलासा किया है कि वो सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी के जरिए अपना जेंडर चेंज कराना चाहता था। वो पिछले एक साल से सर्जरी के लिए इंटरनेट पर इस तरह के क्लिनिक की जानकारी जुटा रहा था। यही नहीं, वो अपना जेंडर चेंज कराकर उत्तराखंड के दोस्त के साथ विदेश भागना चाहता था। पुलिस के मुताबिक वो अपने इस काम को अंजाम दे पाता, उससे पहले परिवार को इसका पता चला तो उसे जमकर पीटा। इससे गुस्सा होकर उसने वारदात को अंजाम दिया। हालांकि इस हत्याकांड में पहले प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस के मुताबिक मोनू ने सबसे पहले अपनी बहन तमन्ना उर्फ तन्नू, फिर नानी रोशनी, माँ संतोष उर्फ बबली और पिता प्रदीप मलिक उर्फ बबलू को मारा था। हत्याकांड का मुख्य आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू मृतक बबलू का इकलौता बेटा है और जाट कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर का छात्र है। पुलिस के मुताबिक मोनू का उत्तराखंड के नैनीताल के एक युवक के साथ पिछले चार साल से दोस्ताना संबंध था, जबकि दोनों की दोस्ती दिल्ली में केबिन क्रू कोर्स के दौरान हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार जेंडर चेंज कराने के बाद मोनू अपने दोस्त के साथ विदेश भागना चाहता था। यही नहीं, वो परिवार से 5 लाख रुपए मांग रहा था, लेकिन परिवार को इस बात पता चला तो उन्होंने रुपए देने से मना कर दिया। यही नहीं, उसने अपने सीने पर दोस्त का टैटू भी गुदवा रखा था। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर अच्छी लगती है तो खास हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।